इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमारा कहना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि इस देश का नागरिक कौन होगा इसका डेफिनेशन पहले से दिया हुआ है, और उस डेफिनेशन के हिसाब से कहा गया है कि जो इस देश में रहता है, जिस इस देश में जो रहता है और जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक इस देश से है, या जो इस देश में जब से कानून आया है उस कानून के पहले कम से कम 5 साल से जो इस देश में रहता है वो हर कोई भारतीय है, इसके अलावा और किसी को अगर सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो कम से कम 11 साल से इस देश में रह रहा है और जो कानूनन डिमांड करता है कि हमें इस देश की सिटीजनशिप चाहिए, अगर पूरे कागजात की वह पूरा करता है, वो सारे जो शर्तें हैं वो पूरी करता है, तो उसे वो सिटीजनशिप मिलती है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद अब बेवजह ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाया गया है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ये बिल्कुल ही बेफिजूली लग रहा है। इसमें और एक बात बहुत गौरतलब है कि पहले के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में कहा गया था कि कम से कम 11 साल से जो यहाँ पर रह रहे हैं वो कोई भी जो डिमांड करते हैं कि हमें भारतीय होने का नागरिकत्व चाहिए उसे वो मिल सकता है। अब इस नए अमेंडमेंट बिल ने कहा है कि वो 11 से वो 6 साल पर लाया गया है, और कहा है इसमें कि इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सारे लोग अगर 6 साल से यहाँ पर रह रहे इस धर्म के कोई भी, और अगर वो मांग करते हैं तो उनको यह सिटीजनशिप दिलाई जाएगी, अलावा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान छोड़ के, यानी कि सिर्फ मुसलमान को इसमें से साइड में रखा गया है। हमारा कहना ये है कि एक तो आपको ये अमेंडमेंट बिल लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये बिल लाया है तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अलग में रखने की बात क्यों रखी है, ये इस देश को तोड़ने की बात है, क्योंकि ये सारा मसला जो बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं इनको लेकर जो मसला आया, खासकर असम और बाजू के जो स्टेट है इससे जो ये मसला आया, वहाँ पर जबकि आज की तारीख में 22 से 25 लाख की आबादी जो बाहर से आई हुई है, अब उस 25 लाख की आबादी को जो पिछले 6 साल से 8 साल से भी 10 साल से रह रहे हैं, अगर उन्होंने डिमांड की कि हमें यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए तो उनको तो सिटीजनशिप मिलेगी, किंतु अगर इसमें से कोई मुसलमान है तो उसको नहीं मिलेगी, यानी कि 22 से 25 लाख में से कम 15 से 18 लाख मुसलमान जो है यहाँ से खदेड़ दिए जाएंगे। एक तरह से ये मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज कम करना, यहाँ हिंदुओं का वोट ऑफ परसेंट बढ़ाना, और फिर अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को तोड़ मरोड़ के यहाँ हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, ये जो हिडन एजेंडा यहाँ बीजेपी लाना चाहती है, ये हिडन एजेंडा हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। बस यही बात बताने के लिए आज इस मजमे में पूरे पूना से लोग शामिल हुए थे, हम सारे लोगों का तहे दिल से।